हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और सब बढ़िया? नमस्कार। और सब ठीक ठाक हो गई है दोस्तों? और दोस्तों क्या हाल है? और आपके सामने फिर एक बार चंदन दा एक नया ब्लॉग लग के दोस्तों। आजकल जो है शादियाँ हो रही बहुत ज़्यादा, तो उनकी शादी में आए हैं तो पार्टी का एंजॉय लेने के लिए। तो अभी खाना ना खा लिया। अब बहुत देर से दोस्तों जो है दुल्हन बहुत तैयार हुई थी। तैयार होने के बाद जो है मेरी बाइक गिर गई। मेरी बाइक गिर गई यार। मित्र की शादी में हम दमड़ हुआ और ये हमारे साथ हैं दिनेश जी और ये पहाड़ ब्रीनाक साइड के रहने वाले हैं और अभी कार्यरत हैं ये पुलिस विभाग में, अभी रुद्रपुर में हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छे से कलाकार हैं और कुमाऊनी कलाकार हैं। अगर एक दिन आप क्या करें, अभी ऐसी मौका है, मौके पर तो मिल नहीं पाते हैं। एक बार जब संगत हो, संगत के साथ कहते हैं ना, संगत हो संगत के साथ रंगत आ जाती है दोस्तों। तो अब एक दिन आपको इनका जो है बोल वचन सुनाएंगे, मधुर वाणी से गाना सुनाएंगे और ये भी एक बहुत पहुँचे हुए कलाकार है, पर क्या जो अंदर की भावनाएं, अंदर की कलाकारी है ना, तो वो दिखा नहीं पाता है। तो वो मन ही मन में
दबे रह जाती है। तो इसके लिए दोस्तों एक शांत माहौल और एक पार्ट टाइम टाइम निकालना पड़ता है। तो इसीलिए जो अपना जो दिल की भड़ास होती है ना, कहते दिल की भड़ास निकल जाए, अरे आज मैंने बहुत अच्छा गाना गाया, अच्छा खाया, अच्छा घूमा, अच्छा पिया, तो उस टाइप का एंजॉय नहीं हो पा रहा। तो क्योंकि एक्चुअली में कहा जाता है ये अपने ड्यूटी पे ही मस्त रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे कुमाऊं में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे कुमाऊनी कलाकार गायककार हैं, पर क्या करें, उनका प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो अपना गाना नहीं गा पाते हैं, अपने संगीत दिखा नहीं पाते। तो देसी ऐसी है पहाड़ की रौनक। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, जानते हो ड्यूटी वालों को ऐसे होता। अब आज का शादी का माहौल है, कभी मित्रों की शादी, कभी दोस्तों की शादी, कहीं चाचा भतीजी की शादी, हम चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत एंजॉय कर लेते हैं। तो दोस्तों हाय, फिर मिलते हैं, ओके बाय। अच्छा लगे और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ी बहुत मनोबल बढ़ता है कि काम करने का। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं, ओके बाय।